नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं मानसरोवर विद्या विहार सूरत से चौहान कौशिक। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नेताजी का चश्मा। इस चैप्टर में हमने ये देखा था कि पान वाला जो हलदार साहब से बात करता है और हलदार साहब नगर पालिका द्वारा जो नेताजी की प्रतिमा बनवाई गई है और उसके ऊपर जो चश्मे बार बार बदलते देखते हैं, तो उसके बारे में वो पूछते हैं और उन्हें बाद में पता चलता है कि ये चश्मा लगाता कौन है। और जब वो उस चश्मे वाले को देखते हैं तो उनको उनकी उस कैप्टन चश्मे वाले कैप्टन की देशभक्ति पर गर्व महसूस होता है कि और फिर वो हलदार साहब उस चश्मे वाले कैप्टन को देखकर चक्कर में पड़ गए कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही उसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और कोई बात करने के तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था और काम था और काम भी था। हलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। पान वाले के से बात करते हुए हलदार साहब को पता चला कि ये कोई चश्मे वाला है जो नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा लगाता है। और जब उन्होंने देखा कि एक पैर से लंगड़ाता हुआ एक आदमी जो किसी बंद दुकान पर अपनी चश्मे की फ्रेम की रेकड़ी लगाता है। 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। इस धूल भरी यात्रा में हलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए हलदार साहब जब जब यहाँ से गुजरे तब उन्होंने देखा कि नेताजी की प्रतिमा पर अलग अलग फ्रेम के चश्मे लगे रहते थे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता था कि उनकी प्रतिमा पर चश्मा ना हो, और इस बात का उनको भी कौतुक होता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। हलदार साहब एक बार वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि उनको आश्चर्य भी हुआ कि नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा नहीं है। तो और उस दिन वो पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की अधिकांश मतलब ज़्यादातर दुकानें भी बंद थी। और जब उस दिन तो वो चले गए, लेकिन अगली बार आए तो उन्होंने उस पान वाले से पूछा, पान खाए और धीरे से पान वाले से पूछा कि भाई क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे ठूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। देखो, एक देशभक्त व्यक्ति जो मर गया उसका दुख आज उस पान वाले को भी है, जो अब तक इस कैप्टन की मजाक उड़ाता था। वही व्यक्ति आज अपनी आंखों में उसकी आंखों में आंसू है। और कुछ नहीं पूछ पाए हलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। उसके आगे हलदार साहब ने भी कुछ नहीं पूछा और ऐसे ही अपनी जीप में बैठकर चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ दांव पर सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। देखो, यहाँ पर बहुत बड़ी सोचने वाली बात लेखक ने यहाँ पर लिखी है कि वो बार बार सोचते रहते कि क्या होगा उस कौम का, मतलब उस जाति का क्या होगा जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले वालों पर भी हंसती है। मतलब उस कौम का क्या होगा जो हमारे देश में
अपनी जवानी अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा देने वाले व्यक्ति पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है और अपने लिए कुछ बेचने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे से घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। लेखक ने देखा कि सुभाष जी की प्रतिमा तो होगी लेकिन चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर जो मूर्तिकार था वो चश्मा बनाना भूल गया और कैप्टन तो मर गया है। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। हलदार साहब उस बात से नाराज़ है, दुखी है कि वो सोच रहे हैं कि आज हम फिर उस कस्बे में तो जाऊंगा, वहाँ पर मुझे नेताजी की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी लेकिन उस प्रतिमा पर चश्मा नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे पता है कि वो मूर्तिकार तो मूर्ति बनाकर मतलब प्रतिमा बनाकर भूल गया और कैप्टन मर गया है। उसके बाद वो सोच रहे कि और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उस प्रतिमा पर चश्मा लगाएगा, इसलिए वो अपने ड्राइवर से कह देते हैं कि आज हम वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे और ड्राइवर से कह देंगे कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे जाकर कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आँखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रुको, जब जीप स्पीड में थी ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों की मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर इनकी आंखें भर आई। यहाँ पर हलदार साहब ने तो पहले से ये तय किया था कि आज मूर्ति की तरफ भी नहीं देखना है और ना तो वहाँ पर पान खाना है ना तो चौराहे पर रुकना है। उन्होंने तो अपने ड्राइवर को तब तक कह दिया था कि आज हमें बहुत काम है इसलिए वहाँ पर नहीं रुकना है, और वो वहाँ से उस कस्बे से गुजर रहे थे तो अचानक से उनकी नज़र न चाहते हुए भी उस नेताजी की प्रतिमा पर पड़ी और वो जोर से गाड़ी रोकने के लिए चिल्लाए और दौड़ कर गाड़ी से उतर कर कूद कर वो सीधे प्रतिमा के पास जाकर खड़े रह गए। तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि नेताजी की आँखों पर एक छोटा बच्चा जैसे चश्मा बना लेता है वैसे ही चश्मे वहाँ पर बने हुए थे और यह देख कर वो बहुत भावुक हुए और इतनी सी बात पर उनकी आँखें भर आई। उसकी दो वजह, एक कि खुशी से भी आंखें भर रही और दूसरी बात कि हाँ चलो कोई तो ऐसा है जो देशभक्त है। यहाँ पर देशभक्ति पर बहुत बड़ा कटाक्ष किया गया है, व्यंग्य किया गया है कि कैसे समाज के लोग हैं। हर एक व्यक्ति नेताजी को जानता है, हर एक व्यक्ति नेताजी से परिचित है, उनके कार्यों से परिचित है, लेकिन किसी को ऐसा नहीं लगा कि हमें नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा लगवाना चाहिए। और जब तक वो कैप्टन था तब तक वो लगाता था, लेकिन आज फिर एक बार ऐसा हुआ है कि किसी छोटे बच्चे ने नेताजी की प्रतिमा पर सरकंडे से बना हुआ एक चश्मा रखा हुआ था, क्योंकि नेताजी चश्मा के बिना अधूरे जैसे थे, क्योंकि चश्मा उनकी एक पहचान थी। और साथ साथ हर एक देशभक्त के लिए, हर एक इस देश को प्यार करने वाले, देश पर जान नौछावर करने वाले व्यक्ति के लिए एक बात बहुत मायने रखती है कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो जो व्यक्तियों ने बलिदान दिया है, आज अगर ये देश उनको भूल गया, आज उनकी देशभक्ति को भूल गया, आज उनके कार्यों को भूल गया, तो आने वाले वक्त में आने वाली पीढ़ी उस देश नेता को भी भूल जाएगी, देशभक्ति को भी भूल जाएगी और साथ साथ वो हर एक बलिदान देने वालों को भूल जाएगी। और जब वो आने वाली पीढ़ी बलिदान देने वाले को भूल जाएगी ना, तो उसको बलिदान का सही मतलब, सही अर्थ कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए यह जो नेताजी का चश्मा जो चैप्टर हमने देखा उसमें सच एक
एक सीधी और सरल बात यह है कि हमें हमेशा से देश के प्रति देशभक्ति बनाए रखनी है, देश भक्ति के प्रति हमारा जो जज्बा है उसे भी बनाए रखना है, और साथ में हमें कभी भी हमारे देश के जो शहीद है उसकी शहादत को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।